मैं मतदान केंद्र पे हूँ जहाँ मेरी वोट हमेशा पड़ती थी, आज मैं वोट नहीं डाल पाया हूँ और ऑफिशियली मुझे कहा गया है कि मेरा वोट शिफ्ट हो गया है, पर यही नहीं बताया गया कि वोट कहाँ शिफ्ट हुआ है, कोई जवाब नहीं है। मैंने इनके चुनाव आयोग के कार्यालय में फोन करके संपर्क किया, कंप्लेंट दर्ज कराई, तो वहां से मुझे फाइनली कहा गया आप वोट नहीं डाल पाएंगे। सवाल ये नहीं कि मेरी वोट नहीं डल रही, लेकिन मेरी इस घटना के बाद मुझे फोन आने शुरू हो गए, कंट्रोल रूम में फोन आ रहे हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो शायद मतदान से वंचित रहेंगे इस बार। और ये वो वर्ग है, वो क्षेत्र है जहां शायद भाजपा से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद की चुप्पी पे सवाल पूछे जाते हैं, लोग के अधिकारों पे कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ, इस शहर का क्या हुआ, और शायद ये लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। ये वो एरिया है जो माइनॉरिटी बाहुल्य है, जो दलित बाहुल्य एरिया है, और आज शायद उनको मतदान देने से रोका जा रहा है। और मैं एक पूरी तरह से दावे के साथ कहता हूं, भाजपा अपनी हार टालने के लिए जिस तरह से परिसीमन लेकर के आई, सीटों को कम किया गया, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, अरविंद उनका साथ देते हैं। हम जब जनता की अदालत में आए, हमने कहा जनता तय करेगी, तो आज जनता को भी फैसला लेने से रोका जा रहा है। और ये बड़ा सवाल है, इलेक्शन आयोग से जब हम मिले थे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने उनका दर्द समझा था, किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर था। तो आज मेरी तो वोट कटी है, लेकिन लाखों लोगों की जो वोट डालने से रोका गया, ये लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाला है।